खबर पटना से, जहां पर एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का मुकाबला है आज भारत और जापान के बीच खेला जाएगा सेमीफाइनल मैच। दूसरी तरफ चीन और मलेशिया के बीच होगी लड़ाई, तो वहीं दोनों सेमीफाइनल मैच और आज राजगीर में खेले जाएंगे। सीएम नीतीश समेत कई अतिथि भी इसमें शामिल होंगे। तो एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का यह मुकाबला और इसके साथ ही भारत और जापान के बीच खेला जाएगा सेमीफाइनली मैच। दूसरी तरफ चीन और मलेशिया के बीच भी टक्कर होगी, तो दोनों सेमीफाइनल मैच को आज राजगीर में खेला जाएगा और इसको लेकर के उत्साह बना हुआ है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता चर्चा के लिए उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का यह मुकाबला होने वाला है और ऐसे में एक उत्साह है लोगों में और सीएम की भी शिरकत यहां पर होगी, और हमने देखा भी कि देखिए जिस तरीके से इस ग्राउंड को तैयार किया गया उसकी तारीफ भी कई खिलाड़ियों ने करी थी। और बिल्कुल अंकुर, देखिए आज एशियन चैंपियनशिप महिला हॉकी चैंपियनशिप का सेमीफाइनल है। एक बार तस्वीरें अंदर की नहीं दिखा सकते क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से, लेकिन बाहर की दिखा रहे हैं कि पूरी तरीके से तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। जो अगर आज बात की जाए दो सेमीफाइनल्स की, तो आज दो सेमीफाइनल होने वाले हैं। एक भारत और जापान के बीच होना है और दूसरा सेमीफाइनल की अगर बात की जाए तो वो करीब 2 बजे से शुरू होगा, और ये सेमीफाइनल जो है वो खासकर चाइना और मलेशिया के बीच होने वाला है। तो आज सेमीफाइनल है और कल फाइनल होना है, और लगातार जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो लगातार कह सकते हैं कि अब तक कोई मैच हारी नहीं है, तो एक बड़ा उत्साह जरूर है। और पहली बार ये राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या एकेडमी कह ले, दोनों नाम इसका रखा गया है, यहाँ पर मैच हो रहा है, और कह सकते हैं कि 100 एकड़ में ये नया जो एकेडमी है या कॉम्प्लेक्स कह ले वो बनाया गया है। इसकी उद्घाटन कुछ दिनों पहले की गई थी, हालांकि 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी और अब बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया है, और यहां पर आज मैच हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर इसे देखने आएंगे। करीब शाम 4:30 बजे भारत और जापान का सेमीफाइनल होना है। अंकुर बिल्कुल, देखिए खिलाड़ियों के लिए कह सकते हैं कि एक सराहनीय और कहीं ना कहीं जो कदम उठाया गया ये बेहद एक प्रोत्साहन वाला भी जरूर है। और हालांकि अगर मैच की बात की जाए, क्योंकि भारतीय टीम भी आज खेलेगी, तो ऐसे में बस कितना है, क्रेज कितना लोगों में है और इसको लेकर के क्या कुछ तैयारी? अब बिल्कुल, देखिए तैयारी जोरों शोरों से की गई है, पूरी हम अंदर नहीं दिखा सकते क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन बाहर में पूरी तरीके से लोग जो है वो भर गए हैं। पहली बार इस तरीके का खेल का आयोजन जो है वो बिहार में किया जा रहा है। इससे पहले एशियन वुमेन्स चैंपियनशिप जो थी वो झारखंड में की गई थी, लेकिन इस बार बिहार में किया गया, और बिहार पूरी तरीके से मेहमान नवाजी के लिए इस बार तैयार था। तमाम वो मैचेस जो है इंडियन कह सकते हैं एशियन चैंपियनशिप की, वो बिहार में ही खेले गई हैं इसी स्पोर्ट्स अकेडमी में। और आज दो देशों के बीच कह सकते हैं दो देशों के बीच सेमीफाइनल है, जहाँ मलेशिया, जापान और इंडिया का है, और आखिरी मैच जो होगा वो जापान और इंडिया का है। तो सब लोगों के इंतजार जो है वो केवल इंडिया और जापान के बीच है, क्योंकि पिछली बार जब चैंपियनशिप हुआ था तो जापान जो था वो विजेता था, और इस बार देखना होगा कि क्या हो सकता है, लेकिन उत्साह लोगों में काफी है और सभी लोग चाह रहे हैं कि इंडिया इस बार विजेता बने। चलिए बिल्कुल, हमारे भी यह कामना है कि बिल्कुल टीम इंडिया की जीत होनी चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और वही खबर पटना से, जहां पर एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का मुकाबला है आज भारत और जापान के बीच खेला जाएगा सेमीफाइनल मैच। दूसरी तरफ चीन और मलेशिया के बीच होगी लड़ाई, तो वहीं दोनों सेमीफाइनल मैच और आज राजगीर में खेले जाएंगे। सीएम नीतीश समेत कई अतिथि भी इसमें शामिल होंगे। तो एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का यह मुकाबला और इसके साथ ही भारत और जापान के बीच खेला जाएगा सेमीफाइनली मैच। दूसरी तरफ चीन और मलेशिया के बीच भी टक्कर होगी, तो दोनों सेमीफाइनल मैच को आज राजगीर में खेला जाएगा और इसको लेकर के उत्साह बना हुआ है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता चर्चा के लिए उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का यह मुकाबला होने वाला है और ऐसे में एक उत्साह है लोगों में और सीएम की भी शिरकत यहां पर होगी, और हमने देखा भी कि देखिए जिस तरीके से इस ग्राउंड को तैयार किया गया उसकी तारीफ भी कई खिलाड़ियों ने करी थी। और बिल्कुल अंकुर, देखिए आज एशियन चैंपियनशिप महिला हॉकी चैंपियनशिप का सेमीफाइनल है। एक बार तस्वीरें अंदर की नहीं दिखा सकते क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से, लेकिन बाहर की दिखा रहे हैं कि पूरी तरीके से तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। जो अगर आज बात की जाए दो सेमीफाइनल्स की, तो आज दो सेमीफाइनल होने वाले हैं। एक भारत और जापान के बीच होना है, और दूसरा सेमीफाइनल की अगर बात की जाए तो वो करीब 2 बजे से शुरू होगा, और ये सेमीफाइनल जो है वो खासकर चाइना और मलेशिया के बीच होने वाला है। तो आज सेमीफाइनल है और कल फाइनल होना है, और लगातार
जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो लगातार कह सकते हैं कि अब तक कोई मैच हारी नहीं है, तो एक बड़ा उत्साह जरूर है। और पहली बार ये राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या एकेडमी कह लें, दोनों नाम इसका रखा गया है, यहाँ पर मैच हो रहा है और कह सकते हैं कि 100 एकड़ में ये नया जो एकेडमी है या कॉम्प्लेक्स कह लें वो बनाया गया है। इसकी उद्घाटन कुछ दिनों पहले की गई थी, हालांकि 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी और अब बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया और यहां पर आज मैच हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर इसे देखने आएंगे। करीब शाम 4:30 बजे भारत और जापान का सेमीफाइनल होना है। अंकुर बिल्कुल, देखिए खिलाड़ियों के लिए कह सकते हैं कि एक सराहनीय और कहीं ना कहीं जो कदम उठाया गया ये बेहद एक प्रोत्साहन वाला भी जरूर है। और हालांकि अगर मैच की बात की जाए, क्योंकि भारतीय टीम भी आज खेलेगी, तो ऐसे में बस कितना है, क्रेज कितना लोगों में है और इसको लेकर के क्या कुछ तैयारी? अब बिल्कुल देखिए, तैयारी जोरों शोरों से की गई है पूरी, हम अंदर नहीं दिखा सकते क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन बाहर में पूरी तरीके से लोग जो है वो भर गए हैं। पहली बार इस तरीके का खेल का आयोजन जो है वो बिहार में किया जा रहा है। इससे पहले एशियन वुमेंस चैंपियनशिप जो थी वो झारखंड में की गई थी, लेकिन इस बार बिहार में किया गया और बिहार पूरी तरीके से मेहमान नवाजी के लिए इस बार तैयार था। तमाम वो मैचेस जो है इंडियन कह सकते हैं एशियन चैंपियनशिप की, वो बिहार में ही खेले गई हैं इसी स्पोर्ट्स अकेडमी में। और आज दो देशों के बीच कह सकते चार दो दो देशों के बीच सेमीफाइनल है, जहाँ चाइना मलेशिया जापान और इंडिया का है और आखिरी मैच जो होगा वो जापान और इंडिया का है। तो सब लोगों के इंतजार जो है वो केवल इंडिया और जापान के बीच है, क्योंकि पिछली बार जब चैंपियनशिप हुआ था तो जापान जो था वो विजेता था और इस बार देखना होगा कि क्या हो सकता है। लेकिन उत्साह लोगों में काफी है और सभी लोग चाह रहे हैं कि इंडिया इस बार विजेता बने। चलिए बिल्कुल, हमारे भी यह कामना है कि बिल्कुल टीम इंडिया की जीत होनी चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और वही खबर पटना से, जहां पर एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का मुकाबला है आज भारत और जापान के बीच खेला जाएगा सेमीफाइनल मैच। दूसरी तरफ चीन और मलेशिया के बीच होगी लड़ाई, तो वही दोनों सेमीफाइनल मैच और आज राजगीर में खेले जाएंगे। सीएम नीतीश समेत कई अतिथि भी इसमें शामिल होंगे। तो एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का यह मुकाबला और इसके साथ ही भारत और जापान के बीच खेला जाएगा सेमीफाइनली मैच। दूसरी तरफ चीन और मलेशिया के बीच भी टक्कर होगी, तो दोनों सेमीफाइनल मैच को आज राजगीर में खेला जाएगा और इसको लेकर के उत्साह बना हुआ है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता चर्चा के लिए उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का यह मुकाबला होने वाला है और ऐसे में एक उत्साह है लोगों में और सीएम की भी शिरकत यहां पर होगी और हमने देखा भी कि देखिए जिस तरीके से इस ग्राउंड को तैयार किया गया उसकी तारीफ भी कई खिलाड़ियों ने करी थी। अब बिल्कुल अंकुर, देखिए आज एशियन चैंपियनशिप महिला हॉकी चैंपियनशिप का सेमीफाइनल है। एक बार तस्वीरें अंदर की नहीं दिखा सकते क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से, लेकिन बाहर की दिखा रहे हैं कि पूरी तरीके से तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। जो अगर आज बात की जाए दो सेमीफाइनल्स की, तो आज दो सेमीफाइनल होने वाले हैं, एक भारत और जापान के बीच होना है और दूसरा सेमीफाइनल की अगर बात की जाए तो वो करीब 2 बजे से शुरू होगा और ये सेमीफाइनल जो है वो खासकर चाइना और मलेशिया के बीच होने वाला है। तो आज सेमीफाइनल है और कल फाइनल होना है और लगातार जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो लगातार कह सकते हैं कि अब तक कोई मैच हारी नहीं है, तो एक बड़ा उत्साह जरूर है। और पहली बार ये राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या एकेडमी कह लें, दोनों नाम इसका रखा गया है, यहाँ पर मैच हो रहा है और कह सकते हैं कि 100 एकड़ में ये नया जो एकेडमी है या कॉम्प्लेक्स कह लें वो बनाया गया है। इसकी उद्घाटन कुछ दिनों पहले की गई थी, हालांकि 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी और अब बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया और यहां पर आज मैच हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर इसे देखने आएंगे। करीब शाम 4:30 बजे भारत और जापान का सेमीफाइनल होना है। अंकुर बिल्कुल, देखिए खिलाड़ियों के लिए कह सकते हैं कि एक सराहनीय और कहीं ना कहीं जो कदम उठाया गया ये बेहद एक प्रोत्साहन वाला भी जरूर है। और हालांकि अगर मैच की बात की जाए, क्योंकि भारतीय टीम भी आज खेलेगी, तो ऐसे में बस कितना है, क्रेज कितना लोगों में है और इसको लेकर के क्या कुछ तैयारी? अब बिल्कुल देखिए, तैयारी जोरों शोरों से की गई है पूरी, हम अंदर नहीं दिखा सकते क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन बाहर में पूरी तरीके से लोग जो है वो भर गए हैं। पहली बार इस तरीके का खेल का आयोजन जो है वो बिहार में किया जा रहा है। इससे पहले एशियन वुमेंस चैंपियनशिप जो थी वो झारखंड में की गई थी, लेकिन इस बार बिहार में किया गया और बिहार पूरी तरीके से मेहमान नवाजी के लिए इस बार तैयार था। तमाम वो मैचेस जो है इंडियन कह सकते हैं एशियन चैंपियनशिप की, वो बिहार में ही खेले गई हैं इसी स्पोर्ट्स अकेडमी में। और आज दो देशों के बीच कह सकते हैं चार दो दो देशों के बीच सेमीफाइनल है, जहाँ
चाइना, मलेशिया, जापान और इंडिया का है और आखिरी मैच जो होगा वो जापान और इंडिया का है। तो सब लोगों के इंतजार जो है वो केवल इंडिया और जापान के बीच है, क्योंकि पिछली बार जब चैंपियनशिप हुआ था तो जापान जो था वो विजेता था और इस बार देखना होगा कि क्या हो सकता है। लेकिन उत्साह लोगों में काफी है और सभी लोग चाह रहे हैं कि इंडिया इस बार विजेता बने। चलिए बिल्कुल, हमारे भी यह कामना है कि बिल्कुल टीम इंडिया की जीत होनी चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा